कल CCS यूनिवर्सिटी ने 11 नोटिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किए थे। उन 11 नोटिस की हमने वीडियो बनाई थी, तो लगभग 11 या 12 मिनट के आसपास की वीडियो वो बनी थी। तो उसमें से जो मेन हाईलाइट है वो न्यूज़पेपर में दी हैं, 5 हाईलाइट है, तो इसमें वीडियो में छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे पूछ रहे हैं कि 6 तारीख का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएड का, वो पोस्टपोन तो नहीं हुआ? तो भाई वो पोस्टपोन नहीं हुआ, वो उसी तारीख को है। उसकी वजह से ही इतने सारे जो करेक्शन है, चेंजेस वगैरह करने पड़ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 अगस्त की सभी परीक्षाएं स्थगित होंगी, अब 13 तारीख को वो होंगी, 13 अगस्त को, ठीक है? तो 5 तारीख की पोस्टपोन है। अब आप ये बोलोगे कि भाई 6 तारीख का तो पेपर है, 5 की पोस्टपोन क्यों करी है? तो अगर आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो और सेंटर आपका दूर है, तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर पहुँचने का, और 5 तारीख को अगर आप सेंटर के आसपास ही हो तो एक फ्री माइंड से आप पेपर दे पाओगे। और अगर आप स्कीम चेक करोगे तो 6 तारीख का इसमें कोई पेपर नहीं है, तो 5 तारीख की भी छुट्टी हो जाएगी, तो आपको 2 दिन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? तो ये तो हो गई भाई ये बात। 6 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा होने के चलते CCS यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेजों में 5 अगस्त की सभी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये सभी परीक्षाएं अब 13 अगस्त को होंगी, बाकी परीक्षाएं जैसी थी वैसी ही रहेंगी। 6 अगस्त को पूरे प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा है, इसके लिए सभी कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इसके चलते 5 अगस्त की परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं, ये सभी परीक्षाएँ अब 13 अगस्त को, जितनी भी 5 तारीख को परीक्षाएं थी किसी भी क्लास की, वो अब 13 तारीख को होगी। MS इतिहास कोड G444 की परीक्षा निरस्त, जो पेपर हुआ था तो उसमें हंगामा वगैरह भी हुआ है कॉलेज वगैरह में, ठीक है? तो उसमें है कि MA इतिहास द्वितीय वर्ष प्राइवेट विषय कोड G444 की 31 जुलाई को हुई परीक्षा निरस्त कर दी गई है। पेपर प्रिंटिंग में गलती होने की वजह से ये परीक्षा निरस्त हुई है। अब यह परीक्षा 13 अगस्त को शाम 3 से 5 बजे की पाली में होगी, ठीक है? तो वो जो रिपीट होके क्वेश्चन आए थे उनके बारे में ये अपडेट थी। वहाँ पे कॉलेज वगैरह में हंगामा भी हुआ था कि किस तरीके से आपने पेपर दिया है। 5 अगस्त से भरे जाएंगे MPED और MED के परीक्षा फॉर्म, जो कि 16 अगस्त तक भरे जाएंगे, 5 से शुरू हो जाएंगे, 16 अगस्त तक आप इन्हें भर पाओगे। पेपर में गलत छपी समय अवधि, जो LLB वगैरह के पेपर थे, LLB LLM BA LLB थी, उनकी जो परीक्षा की समयावधि थी वो 3 घंटे छप गई थी। तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि आप जब पेपर शुरू हो, तो अगर आगे के पेपरों में ऐसी दिक्कत हो, तो उनको निर्देश दिए कि स्टूडेंट को बताया जाए कि पेपर आपका 1.5 घंटे का, जिससे किसी जो स्टूडेंट है उसके मन में गलत फहमी ना हो और वो 3 घंटे के हिसाब से पेपर को लेके ना चले, ठीक है? तो यही अपडेट थी इम्पोर्टेंट। और बाकी YouTube शॉर्ट्स जो चैनल है उस पर हमने सारी चीज़ें शॉर्ट में बता रखी हैं, 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड के अंदर, तो वहाँ पे जाओ चेक करो, अगर सही लगे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ पे वीडियो बना के डाल दी जाती है, ठीक है? तो यही अपडेट थी भाई, 5 अपडेट, और उस पर भी हमने डाल रखी है अपने दूसरे चैनल पे, ठीक है, जिस पे शॉर्ट्स हम डालते हैं। बाकी अगर आपका कुछ सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की।